सर्व ब्राह्मण समाज भिलाई के द्वारा हर्षोल्लास के साथ भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव मनाया गया। समाज द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इसके साथ ही जगह जगह पर प्रसाद का वितरण भी किया गया। सर्व ब्राह्मण समाज भिलाई द्वारा भगवान परशुराम का जन्मोत्सव पूरे विधि विधान एवं धार्मिक आयोजनों के बीच मनाया गया। इस महत्वपूर्ण दिन को और अधिक गौरवशाली बनाने केनाल रोड हथखोज डबरापारा से नंदिनी रोड पहुंच मार्ग का नामकरण समाज द्वारा अपने आराध्य देव भगवान परशुराम के नाम से किया गया। इसी प्रकार खुर्सीपार ITI के पूर्व केनाल रोड चौक पर भगवान परशुराम जी के विशालकाय परशु को स्थापित किया गया, ताकि अन्य समाजों की तरह सर्व ब्राह्मण समाज के एकत्रीकरण का एक स्थान सुनिश्चित हो सके। कार्यक्रम में केनाल रोड भगवान परशुराम चौक से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसका समापन न्यू खुर्सीपार परशुराम मंदिर में हुआ। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। इसके बाद भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग एकत्र हुए और प्रसाद ग्रहण किया। आयोजन की जानकारी सर्व ब्राह्मण समाज भिलाई के पदाधिकारियों ने दी। परशुराम चौक का उद्घाटन इसलिए नहीं है कि इससे कोई ब्राह्मण समाज गौरवान्वित होगा। परशुराम एक पौराणिक चरित्र है और जो इस बात को बताता है कि समाज में अगर अन्याय और अत्याचार होता है तो उसके सामने खड़ा होना चाहिए। और ये जो गलत धारणाएं प्रस्तुत की जाती हैं कि परशुराम ने 17 बार क्षत्रियों का नाश किया, वो मामला वैसा नहीं है। उन अन्यायी राजाओं का जो प्रजा का पालन नहीं करते थे, उनको उन्होंने उनको दंड दिया, उनको गद्दी से उतारा और उसकी जगह ऐसे लोगों को बैठाया जो प्रजा के हित में काम करने वाले होते हैं। इसलिए कोई ब्राह्मणों की ख्याति के लिए, ब्राह्मणों के गौरव के लिए चौक का उद्घाटन नहीं है। इस चौक को परशुराम के नाम के साथ वो जो ख्याति जुड़ी हुई है उसका सारे समाज को ध्यान रहे, इसलिए इस चौक का यहाँ परशुराम जी के नाम से नामकरण किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि पांडे जी ने कहा, शौर्य का भाव हमारे संपूर्ण समाज में जागे, त्याग का भाव जागे, अन्याय के खिलाफ लड़ने का शौर्य साहस जागे, इसके लिए परशुराम जी का स्मरण करना जरूरी होता है। लोग इस रास्ते से चलेंगे, आएंगे, जाएंगे, जब परशुराम जी को देखेंगे प्रतीक के स्वरूप हैं, तो उन्हें शौर्य जागेगा, कर्तव्य भावना जागेगी। इस भावना को लेकर हम लोगों ने हमारे पार्षद पीयूष मिश्रा के नेतृत्व में उनके सहयोग से आज इसका नामकरण ब्राह्मण चौक किया है। हमें बड़े गर्व का विषय है। समग्र ब्राह्मण समाज के छत्तीसगढ़ का अध्यक्ष वीरेंद्र पांडे जी हमारे उपस्थित हैं। लोग जानते हो भी एक राजनीति त्यागी व्यक्ति हैं और उनके कार्यक्रमों से उद्घाटन हुआ है। हम इसके लिए आदरणीय पांडे जी को, आप सबको, संपूर्ण समाज को बहुत बहुत बधाई देते हैं। ब्रांड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट।